सो हेलो एंड वेलकम टू मेगा टेक स्पॉट गाइस, आपका यहाँ पे स्वागत है। तो आज हम लोग की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि व्हाट्सएप स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सबको जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग जब किसी की व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे होते हैं अपने फ़ोन में, तो वहाँ पे हम लोग अपने थंब को वहाँ पे रोक के रखना पड़ता है कि जिससे हम लोग वो व्हाट्सएप स्टेटस पूरी देख पाए। और वहाँ पे अगर हम लोग थंब छोड़ देते तो वो स्टेटस चली जाती है। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे वो स्टेटस वहाँ पे रुकी रहेगी। आपको जितनी देर उसको देखना है, निहारना है, वहाँ पे आप निहार सकते हो उस स्टेटस को जितनी देर देखना है। और अगर आप किसी और को भी देना है तो आप अपने फ़ोन को वहाँ पर डायरेक्ट कैसे दे सकते हो, वहाँ पर आपको थंब लगा के देना नहीं पड़ेगा कि भाई देख लो यहाँ से। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको फिजिकली करके बताऊँगा अपने फ़ोन में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और गाइस देखो, और आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस, आप दूसरों की व्हाट्सएप स्टेटस को अपने फ़ोन में कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो वो भी आपको बताऊँगा मैं। आपके फ़ोन में एक्चुअली रहता है वो, लेकिन कहाँ पर रहता है वो आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा मैं, जिससे आप भी उनकी स्टेटस डाल पाएँ, जो भी आपको अच्छी लगती स्टेटस वो भी सब आप फ़ोन में अपने डाल पाएँ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। तो जी गाइस, आपको मैं सबके बारे में बताऊँगा अपने आपको मैं अपने वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग पहले खोल लेते हैं अपना व्हाट्सएप। जैसे व्हाट्सएप को हम लोग खोलेंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप के स्टेटस में जाएंगे। स्टेटस में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे आप स्टेटस दबाएंगे, आपको अपनी तीन उंगलियां लेना है, यहाँ पे सीधे सीधे रखना है और बस ऐसे रोक देना है स्टेटस को। तो यहाँ पे टाइमिंग अच्छे से बैठाना है, मतलब तीनों उंगलियां एक साथ टच होनी चाहिए स्क्रीन में, तभी जाके आपको वो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आपको यहाँ पे तीनों उंगलियां एक साथ टच करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया और ये स्टेटस रुकी हुई है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं अच्छे से। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस कैसे डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट आता है, ये अपने फ़ोन में ऑलरेडी सेव हो जाती हैं जो भी व्हाट्सएप स्टेटस हम लोग देखते हैं दूसरों की। तो यहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पे हिडन फाइल में स्टोर होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखना पड़ता है कहाँ पे स्टोर हुई है। तो वो मैं आपको दो तरीके बताऊँगा यहाँ पे, दो अलग अलग फ़ोनों से दो जो तरीका आपके फ़ोन में है वो तरीके से आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पहला तरीका जो है हम लोग का। यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। फाइल मैनेजर में क्लिक करूँगा, आपके फ़ोन फाइल का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज का। तो यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे कैटेगरीज के साइड में मेरा स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा स्टोरेज में, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दिखा रहा है मेरे फ़ोन में, आपके फ़ोन में दिखाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ढूंढूंगा, तो व्हाट्सएप मिलने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे थ्री डॉट्स में मैं क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे शो हिडन फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ, यही है, यहाँ पे आपकी सब जो भी स्टेटस वगैरह जाके सेव होती हैं व्हाट्सएप की, जो वीडियोज़ फोटोज़ वगैरह रहती हैं जो आप देखते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ऑन है ये ऑफ़ है, तो यहाँ पे आपको ऑन कर देना है इसको। जो ऑफ़ रहता है यहाँ पे ऑन करके आपको बैक कर लेना है। यहाँ से बैक करने के बाद आप मीडिया में जाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में देख पाएंगे आप, यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो आपके फ़ोन में ऐसे स्टेटसेस का ऑप्शन दिखाएगा, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो भी स्टेटस वगैरह सब यहाँ पे शो होना चालू हो जाएंगे, जो भी आप देखे होंगे ऑलरेडी स्टेटस वो सब सेव हो जाती हैं जो भी आप देखते हो। तो ये जो पहला तरीका था, दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करते हैं। जो हम लोग का सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाके उसको क्लिक करना है। फाइल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स के साइड में व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप को। तो वहाँ पे व्हाट्सएप को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना, जो राइट ऑन टॉप जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सब व्हाट्सएप स्टेटस जो भी आपकी है यहाँ पे सब दिखाता है यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे मैं रिसेंटली जो आपको व्हाट्सएप स्टेटस डाली थी वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको ऐसे यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा। तो ये एक दो तरीके जो आपको मैंने बताया था यहाँ पे। अगर आपको कोई भी तरीका यहाँ पे अच्छा लगा तो यहाँ पे आप दोनों में से जो भी फंक्शन है आपके फ़ोन में वो तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।